असलमस वेलकम टू फैजी टेक यूट्यूब चैनल आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं उन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इवेंट्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इवेंट्स होता क्या है तो ईवेंट कोई भी जो चीज़ परफॉर्म होती है यानी कि जब क्लिक होती है तो उसके बाद जो भी चीज़ हमें नज़र आती है एक इवेंट है यानी क्लिक भी एक हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इवेंट है तो वो किस तरह परफॉर्म होता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक आ, जो जमारे पुरानी स्क्रिप्ट है अगर आप हमारे पिछली वीडियो तरतीब से देख रहे हैं तो हम उसको ख़त्म करते हैं एंड यहाँ पर हम एक कुछ नया करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो हम पहली वाली तमाम चीज़ें ख़त्म करते हैं एंड बिल्कुल एक फ्रेश पेज आपको हम दिखाते हैं एंड ये देखिए जी हमारे बस बिल्कुल फ्रेश पेज हमारे पास है बस सिर्फ सम इंपॉर्टेंट टैक्स एंड यहाँ पे मैं पेज को रिलोट करता हूँ तो हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक पेज है ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ और इस बटन को मैं कोई भी यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी एंड यहाँ पे मैं इस बटन को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ ठीक है और इसके ऊपर मैं कोई भी इवेंट अगर करवाना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ मैं ऑन क्लिक पे इसके अंदर कोई इवेंट कराना चाहता हूँ ऑन क्लिक एंड इज equal टू हमारे पास यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन है फेस एंड हम यहाँ पे इसको कॉल किया है उसके बाद हमने अगर रिज़ल्ट शो कराना है तो हम एक डिव ब्लैंक डिव हम मैं क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसको मैं एक आई दे, दे देता हूँ एंड आई डी इज़ इक्ल टू रिज़ल्ट ठीक है तो आई डी मैंने इसको दे दी रिज़ल्ट के नाम से अब मैं यहाँ पर यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करता हूँ तो फंक्शन और फंक्शन क्या है हमारे पास फैज़ एंड इसके अंदर हम यहाँ जो कुछ हमने लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी हमारे पास है जी यहाँ पे आईडी uh, हमारे पास है यहाँ पे रिज़ल्ट के नाम से और यहाँ पे फिर आगे हम डॉट इनर एस्ट्रीमेंट एंड इक्वल टू और यहाँ पे हम अपने जो भी अपना टेक्स्ट शो कराना चाहते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रिजल्ट ठीक है तो आप जो कुछ आप शो कराना चाहें कर सकते हैं तो ठीक है अब क्या होगा हम पेज रीलोड करते हैं क्लिक करते हैं क्लिक मी एंड यहाँ पे जी यहाँ पे अच्छा कोई मिस्टेक होगी अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये यह देखें यहाँ पे मिस्टेक है तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं यानी कोई भी कैमल स्टाइल में नहीं हुआ था तो ये देखें अच्छा यहाँ पे हमारे पास कैमल स्टाइल में हमने नहीं लिखा हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे हमने कैमल स्टाइल में नहीं लिखा तो ये कैमल स्टाइल वाली मेरे से मिस्टेक हो जाती है अक्सर तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट शो हो गया यानी ये एक इवेंट हुआ यानी हमने एक क्लिक किया एक इवेंट हुआ और हमें ये रिज़ल्ट शो हो गया तो इस तरह कोई भी इवेंट जो है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर काम करता है तो ये जो ऑन क्लिक ये एक इवेंट है और इस तरह बहुत के बहुत सारे इवेंट्स हैं जैसे कि ये एक ऑन क्लिक है तो यहाँ पर अगर हम ऑन माउस ओवर कर लें तो ये एक हमारे पास अनदर एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट है इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं यानी हमने क्लिक किया ये एक ईवेंट हुआ एंड उसके बाद हमें जो कोड किया वो हमें रिज़ल्ट आ गया ऑन माउस ओवर एक इवेंट है तो हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें ये देखें जैसे ही हम उसके ऊपर लेके जाते हैं अपने बटन के ऊपर तो हमें अपना रिज़ल्ट नज़र आ जाता है ये देखें यानी जस्ट हमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है बस हमने ओवर किया तो हमें अपना रिज़ल्ट जो है वो मिल गया देखिए इस तरह तो इस तरह आप यानी ये, ये मैं आपको दोबारा जूम करके आप दिखा देता हूँ तो ये देखें हमें इस तरह नज़र आ जाता है ये एक और इवेंट हो गया यानी ऑन माउस ओवर के साथ इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है जैसे ये ये ऑन माउस ओवर का है फ़ंक्शन तो इस तरह के हमारे पास एक और फंक्शन है हम यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसका नाम है ऑन माउस और यहाँ पर आप देखें ऑन माउस लीव आ गया हमारे पास ठीक है तो ये हमारे पास एक अनदर फंक्शन है और आ, इस, इस इसको इसके अच्छा यहाँ मैं अच्छा इनके कोर्स जो हैं वो अलग अलग आपको करने पड़ेंगे अदरवाइज़ ये आपसे फिर आपका काम नहीं करेगा एंड ऑन माउस लीव इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमें इसको कोई भी आईडी दे, दे देंगे फॉर एग्जाम्पल हम आईडी दे देते हैं लीव ही दे देते हैं दे 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 ताकि यानी ये छोड़ जो रहा है तो हम इसको आई जो है हमने लीव दे, दे दी ठीक है ऑन माउस लीव एंड यहाँ पे हमारे पास ऑन माउस ओवर है ऑन माउस लीव तो हम इसको ही कापी करते हैं पूरे फंक्शन को एंड यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ यही चीज़ यानी जो हमारे पास इसका नेम है फंक्शन का लीव और यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ यानी अब जब हम माउस लेके जाएंगे तो हमारे पास शो होगा हो दिस इज़ अ रिजल्ट एंड जब माउस यानी लीव करेंगे वहाँ से और ऊपर से हटाएँगे तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ पेज को रिलोड करते हैं तो ये देखें हमारे पास माउस है हम इसके ऊपर लेके जा रहे हैं ये देखें तो ये देखें दिस इज़ आ रिजल्ट एंड जैसे ही हमने हटाया तो ये ख़त्म हो गया तो ये देखें आप ये बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है यानी जैसे आपको पॉपअप सा किसी चीज़ पे लेके जाते हैं तो अगर नज़र आता है तो इस तरह का यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसके अलावा अगर हम ये करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे यानी कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आए यानी जब हम इसके ऊपर लिख के जाते हैं तो तब तो हमें तो नज़र आ रहा है लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर हम नज़र आए तो हम इसके लिए क्या करते हैं कोर्डिनेटर में यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ दिस इज़ आ डेव टैक्स तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड ये देखें अभी हमारे पास ये नज़र आ रहा है दिस इज़ अ रिज़ल्ट एक दफ़ा हमें नज़र आ रहा है दिस इज़ अ डिव टैक्स लेकिन जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो ये देखें दिस इज़ रिज़ल्ट ये तब्दील हुआ लेकिन उसके बाद हमें नज़र नहीं आता तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं यहाँ पे अगर आपने हमारा सी एस एस का कोर्स नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं उसके अंदर आप बहुत सारी चीज सी एस एस के बारे से चीज़ें पता चल गई होंगी तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं स्टाइल डॉट डिस्प्ले एंड हम यहाँ पे हमारे पास ये जो ये चीज़ नज़र आ रही है तो हम इसको ही रहने देते हैं फाइल सेव करते हैं एंड फाइल रिलोड एंड दिस इज़ अ डिव टैक्स एंड यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अच्छा आ, हमने नीचे भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमने नीचे दूसरे यूज़ किए हैं तो हम दोबारा इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे स्टाइल आर डिस्प्ले या और यहाँ पे हम इसे ब्लॉक कर देते हैं ठीक है तो हमारे पास ये ब्लॉक हो गया दूसरा हम रीलोड करते हैं तो ये देखें Uh, this is a डि text and when uh, over तो हमें ऊपर दूसरी दूसरा text नज़र नहीं आ रहा वो क्यों नहीं नज़र आ रहा क्योंकि वो इसके पीछे यानी चुक गया है तो हम इसे कर देते हैं नन ताकि हमें वो जो text है वो मूव होता नज़र आए ठीक है थीके? यानी ऑन ऑफ की तरह नज़र आए ठीक है थीके? तो ये देखें इस तरह हमें नज़र आ रहा है तो यानी जब हम इसके ऊपर लेके जाते हैं तो हमें यह चीज़ ख़त्म हो जाती है दिस इज़ अ डिव टैक्स आ जाते हैं एंड वो हमें यहाँ पे ग़ायब होता नज़र आता है तो जब हम इसके ऊपर लेके जाते हैं इसके अलावा हम कर सकते हैं हम यह कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे डेप यूज़ कर रहे हैं तो हम डेप के अंदर अच्छा अगर हम यहाँ पे डेव के अंदर हमारे पास पूरी वेबसाइट है और एक कंटेनर के अंदर मौजूद है उसके अंदर एड है तमाम चीज़ें हैं तो अगर हम उसको यहाँ पे यानी उसकी आईडी डी यहाँ पे कॉल करेंगे और हम जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे ऐसे हमें से ऑन माउस ओवर के नहीं करते हम इसे ऑन क्लिक कर लेते हैं तो आपकी पूरी वेबसाइट यानी यह यहाँ से स्क्रीन से गायब हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक ये पूरा पेज ओपन किया हुआ है एंड मैं यहाँ पे इसी यानी इसे ऑन क्लिक कर देता हूँ ऑन ऑन क्लिक ठीक है तो फाइल सेव एंड रिलोड तो अगर आप यानी किसी को कहते हैं कि अगर आप एक क्लिक करें और वेबसाइट एड हो जाए तो ये देखें आपकी वेबसाइट आइड हो जाएगी ठीक है तो इस तरह भी आप कर सकते हैं यानी आप क्लिक बटन पर करें वेबसाइट एड हो जाएगी एंड दूसरा आप वहाँ पर यानी जब चेंज करेंगे तो आपसे हो जाएगा ठीक है इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप इमेड्स को यूज़ कर सकते हैं तो उसको कैसे यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम इस बटन को ख़त्म करते हैं एंड यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ इनपुट और टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट ठीक है तो हमने ये लिख लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑन की आप का फंक्शन यूज़ करूँगा तो ऑन की आप का फंक्शन क्या काम करता है तो वो मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले मैं इसको आईडी दे देता हूँ फैज़ी एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर योर टेक्स्ट हेयर इंटर योर टेक्स्ट एयर तो इसमें इससे क्या होगा इससे ये होगा कि हम जैसे ही कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे आ, इसके अंदर बॉक्स के अंदर तो हमारे पास ये जो हमारा ये ये टेक्सट लिखा हुआ है ये गायब हो जाएगा तो वो कैसे आ, अब आप देखें ये देखें हमारे पास लिखा है इंटरव्यू और टेक्स्ट है तो हम यहाँ पर जैसे ही लिखते हैं अच्छा ये तो पूरा बॉक्स ही गायब हो गया ना कि हमारा टेक्स्ट तो हमें टेक्स्ट को गायब कराना है अच्छा जी हमारा ये गायब क्यों हो रहा है गायब इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पे इसको बंद ही नहीं किया अच्छा तो हम ये छोटी मोटी गलती होती रहती है तो इसको बुरा नीम बनाना अच्छा यहाँ पे आप देखें अच्छा अब जैसे ही हम कोई भी की प्रेस करते हैं जैसे ही प्रेस करके हम छोड़ेंगे तो ये हमारे पास तो यहाँ पे गायब हो जाएगा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ये देखें अब मैं की प्रेस करने लगा ये देखें एफ़ तो ये देखिए हमारे पास ये गायब हो गया तो इस तरह आप यानी अपना यानी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आप किसी को कहते हैं कि अपने यानी जो कुछ भी आपने लिखना है लिखे और वो जैसी बंदा ये लिखता है तो ये देखिए वहाँ पर गायब हो जाता है तो ठीक है इस तरह आप थोड़ा सा और इंट्रेक्टिव बना सकते हैं इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि अगर हम ये देखें यहाँ पे तो हमने कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं और यहाँ पे ये हमारा जो टेक्स्ट का हो रहा है लेकिन अगर कोई फीडबैक या इस तरह की चीज़ आपको लिखता है तो आप नीचे उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले आ, इसको ख़त्म कर देते हैं इस डिब कोई डिब की हमें जरूरत नहीं मैं सिर्फ इसको ख़त्म करता हूँ ये टेक्स्ट जो हमने लिखा है एंड यहाँ पे दूसरे फंक्शन को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इनर एच टी एम एल को इनर एच टी एम एल और यहाँ पर मैं लिख लूँगा थैंक्स फॉर शेयरिंग फीडबैक यानी कुछ भी आप लिखना चाहें मैं वैसे आपको एज एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ तो मैं पेज को रीलोड करता हूँ एंड यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं मैं फॉर एग्जाम्पल ये लिखता हूँ फैज़ान हली सफ़र फॉर एग्जाम्पल आपने फीडबैक के लिए लिया हुआ है तो इस तरह आपका फ़ीडबैक आएगा पहले यानी आप कीप छोड़ते थे और आपको नज़र आता था तो अब हम जैसे ही हम लिखते हैं कि प्रेस करते हैं तो हमें ये नज़र आता है तो इस तरह आपको बहुत और इंटरेस्टिंग आपकी यानी बहुत अच्छी आपकी वेबसाइट के अंदर आप मुख्त यानी ढेरों आइडियाज़ आप जो कुछ करना चाहें कर सकती हैं इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप जो कुछ यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे आपको नीचे रिपीट होता नज़र आएगा तो वो कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट को अपनी आईडी दे देते हैं कोई भी आईडी डी देते हैं तो आईडी इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ इनपुट ही दे देते हैं एंड यहाँ पर मैं एक और फंक्शन के अंदर एक से कप्रेट एड करता हूँ सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ उसको मैं टेक्स्ट का नाम देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी हमने इसको दी है आईडी हमने दी है इनपुट तो इनपुट में लिख देता हूँ एंड डबल कोर्स के साथ मैं इसको बंद करता हूँ डॉट मैं यहाँ पे कर देता हूँ वैल्यू ठीक है हमारी जो वैल्यू है ठीक है जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी ठीक है ठीके? जो भी आप लिखेंगे इनपुट के अंदर ठीक है और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ इस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ टेक्स्ट ठीक है यानी जो टेक्स्ट में वैल्यू हो वो आप में शो करो ठीक है तो मैं पेज को रिलोड करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैज़ान अली जफ़र तो ये देखें हमें साथ साथ टैक्स भी रिपीट होता रहा है इस तरह जैसे ही हम आ, इसको रिमूव करते जाएंगे तो ये साथ साथ रिमूव भी होता जाएगा यानी जो इवेंट आप करेंगे वो उस तरह परफॉर्म करता जाएगा तो इस तरह आप देख सकते हैं इस तरह आप आप लिख सकते हैं यानी अगर किसी ने अपना टैक्स को यानी इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं आप एच एन टैक का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको यानी बड़ा करके दिखा सकते हैं जो कुछ आप मर्जी करना चाहें इसके साथ कर सकते हैं इसके अलावा आप अपना यहाँ पे ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर भी, भी, भी बना सकते हैं जैसे एच का आप एडिटर बनाते हैं आपने ऑनलाइन देखे होंगे तो वो किस तरह बनाते हैं वो भी बहुत जस्ट सिंपल है तो अगर आपने ये कोड कर लिया तो आगे मुश्किल ही नहीं है बस आपने यहाँ पे जो इनपुट है इसको आपने बना देना है टेक्स्ट एरिया ठीक है तो यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है टेक्स्ट एंड एरिया एंड ये हमारे पास हो गया और यहाँ पे आपने इसको टेक्स्ट एरिया को अपने क्लोज कर देना है टेक्स्ट एरिया अपना क्लोज कर लें यहाँ पे एंड फाइल सेफ एंड मैं पेज को रिलोड करता हूँ एंड ये देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो चुका है ठीक है तो मैं इसकी थोड़ी सी वेडसाइट सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इन लाइन सी एस एस तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोर्स के अंदर सी एस एस का थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं पहले मैंने आपको बोला अगर आपको सी एस एस नहीं आती तो हमारे सी एस एस का आप कोर्स देख सकते हैं फेजीटे यूट्यूब चैनल पर एंड यू डैमी पे तो मैं दोनों आपको एक लुक दिखा देता हूँ दोनों का ये फेजीटेक है एंड यू डैम ई पे आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो ये हमारी एक लुक है आप देख सकते हैं ठीक है तो ये लोग का है हमारे यूट्यूब चैनल की फैजी टेक यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी डेली दो से एक से दो वीडियोस अपलोड होती हैं डिफरेंट कोर्सेज की तो यहाँ पे हमारा ये कोर्स है आप ये भी देख सकते हैं ये देखें आ, दो हज़ार स्टूडेंट्स होने वाले हैं पंद्रह कोर्सेज़ हैं सत्ताईस रिव्यूज़ हैं आपको जिस कोर्स का रिव्यू अच्छा लगे वो कर सकते हैं अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा कोई कोर्स परचेज भी कर सकते हैं ठीक है चले हम चलते हैं अपने मौजू पर यहाँ पर मैं सी एस एस का करते हैं स्टाइल इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम कर देते हैं वेट्स और इसकी मैं कर देता हूँ हंड्रेड परसेंट ठीक है तो वेट्स को मैं हंड्रेड परसेंट कर देता हूँ एंड मैं फाइल सेव करता हूँ पेज को रिलोड करता हूँ ये देखें हमारे पास वेट्स हंड्रेड परसेंट हो गई है एंड यहाँ पर मैं कुछ रोज ऐड कर लेता हूँ रोज़ इक्वल टू यहाँ पे मैं टेंट रोज कर लेता हूँ रिलोड करता हूँ तो हमारे पास टेंट रोज बहुत है ठीक है तो इसी तरह की स्टाइलिंग हम नीचे भी कर लेते हैं इसके डिव के ऊपर इसी को मैं स्टाइल को बिल्कुल सेम रहने के का करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ एंड अच्छा डेव के अंदर वो यूज़ नहीं होती तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको बार्टर भी एक दे देते हैं बार्टर दे देते हैं जी बाडर वन पिक्सल सोलड ब्लैक एंड यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे हाइट इसकी हाइट हंड्रेड परसेंट है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ uh, कुछ भी कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ टू हंड्रेड पिक्सल नहीं थ्री हंड्रेड बहुत है हमारे पास थ्री हंड्रेड पिक्सल एंड फाइल सेव एंड पेज को रिलोड तो ये देखें हमारे पास ये एक परफॉर्म आ गया तो ये ऑनलाइन एक एडिटर कैसे होगा तो ये आप देख सकते हैं कैसे काम करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम आ, यहाँ पर आ, अगर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो ये देखें हमारे पास ए, सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है ठीक है तो अगर हम इसे बोल्ड करके लिखना चाहें तो हम इसे कर सकते हैं बोल्ड तो ये देखें हमारे पास बोर्ड लगाए आ रहा है एंड लाइव हमें प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है तो इस तरह आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं थोड़ी सी और अच्छी एडिटिंग करके हमने अपनी कोई भी लाइन ब्रेक नहीं ऐड की तो हम लाइन ब्रेक ऐड करेंगे तो ये हमें नीचे नज़र आते नज़र आ जाएगा इसके अलावा हम इसका बैकग्राउंड अगर आप एसटीमल uh, की साइट बना रहे हैं तो आप इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी इसका दे सकते हैं uh, यहाँ पे बॉडी का टैग ऐड करके एंड आपको यहाँ पे किसी भी कोई भी यानी बॉडी का जैसे आप कलर देते हैं वो आप देंगे तो आपका यानी जो बैकग्राउंड कलर होगा बैकग्राउंड डैश कलर रेड अच्छा यहाँ पे स्टाइल के अंदर हम यूज़ करेंगे स्टाइल भी यूज़ करेंगे एंड बाकी ये काम करेंगे तो तब ये काम करेगा स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोर्स के अंदर एंड यहाँ पे डबल कोर्स दोबारा एंड अच्छा ये काम क्यों नहीं कर रहा तो हम सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम देखते हैं अच्छा जी तो पीजी कलर अच्छा लो ये एस टी वेल यहाँ पे तो कोई फिर अच्छा यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा तो हम एक और देखते हैं अच्छा यशवंत के टैग के साथ तो ये काम कर रहा है लेकिन यहाँ पे इसके साथ काम नहीं कर रहा तो कोई भी वजह हो सकती है तो अभी फिलहाल मौका वारदात पर समझ नहीं आ रही तो हम चलें ये वैसे आपको ये कुछ सिंपल एडिटर है हम इसके अंदर कोई प्रोफेशनल काम तो नहीं कर रहा है तो इसलिए वैसे मैंने आपको समझाने के लिए करने था कि आप अगर अपना लाइव बनाना चाहते हैं या आपके आप स्टूडेंट्स हैं तो आप उनके लिए प्रैक्टिस के लिए आप लाइव अगर कोई भी आ, आपका एडिटर सपोर्ट नहीं कर रहा आपकी जो कंप्यूटर है तो आप कुछ भी यानी यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह आप सिंपल एडिटर एडिटर बना सकते हैं ये देखने में जितना सिंपल है इतना सिंपल है नहीं क्योंकि इतनी सारी ये कोर्ट ऐसे नहीं आते आप उन्हें ये बाकी अठारह जो लेक्चर हैं ये देख के आए तो आपको ये चीज़ समझ आई है सो so, इस तरह आप मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं तो ये इवेंट्स के अंदर था इतना खास और बाकी कुछ नहीं है कोई हुआ तो आगे अगले जो लेक्चर्स रहते हैं उनमें ऐड कर लेंगे आई होप कि जो थोड़ी बहुत मेरी चीज़ में मिस्टेक हो जाती है तो वो ज़्यादातर तो स्पेलिंग की होती है एंड इसके अलावा बाकी जो हमारी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं आपने क्योंकि जब आप चीज़ अपना जो प्रॉब्लम जो है फ़ाइंड करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप F12 प्रेस किया करें तो मैं इसलिए पास कर देता हूँ वीडियो को कि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे कंसोल या सोर्स में आपको यहाँ पे ये यह जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो आपको सिंपली नज़र आ जाएगी आप वहाँ पे जाके उसको दुरुस्त कर सकते हैं एंड आप इजीली फाइंड कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा टेक पर आ जाएँ आ, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें डेली कमेंट कर लेते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर यहाँ पे आपके कोर्स मिल जाते हैं आपके बहुत ही अच्छे कोर्सेज़ जो हम डेली डेट करते हैं कोई ना कोई एंड यहाँ पे भी आप कोर्सेज़ यानी यहाँ पे कंप्लीट पैकेज होता है और यहाँ पे डेली एक ना एक वीडियो होती है लेकिन यहाँ पर आ, कुछ चीज़ें जो पेड हैं वो वहाँ पे भी आपको मिल सकती हैं आ, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट यून विद फेजी टेक तब तक के लिए अल्लाह हाफि